सब मिशन को कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रॉयल पास खोल लेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं मिशंस लिखा हुआ, तो मिशंस हम लोग क्लिक करते हैं और इधर आप देख सकते हैं जो डेली मिशंस का लुक है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया, वो आप देख सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं वीक वन में कुछ एक्स्ट्रा आपको रिवॉर्ड मिलेगा, इसमें हम लोग क्लिक करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कुछ लिमिटेड टाइम आइटम है। और इवन वो जो आप देख पा रहे थे, क्या नेम था ये ड्रेस का, स्काई हंटर सेट, वो मैं आपको दिखाया, तो वो भी आपको मिल सकता है। तो वीक टू में आपको केवल 200 RP मिलेगा, वीक थ्री में फिर से आपको ये मिलेगा, वीक फोर में 200 RP, वीक फाइव में आप देख सकते फिर से ये मिलेगा, वीक सिक्स में, वीक सेवन में आपको मिलेगा और वीक एट में फिर से आपको 200 RP मिलेगा। तो इसको हम लोग कम्प्लीटली वन में आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग इसको कलेक्ट करते हैं, तो डेली लॉगिन का जो मिलता है वो हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चैलेंज में आप देख सकते हैं बहुत सारे मिशन आपको देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले वीक वन का मिशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वीक टू का भी मिशन देखेंगे, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली एक एक मिशन समझाऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी मिशन मेरा कम्प्लीट हुआ, हाँ गोल्ड टीयर का जो मिशन वो कम्प्लीट हो चुका है, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग गोल्ड टीयर का तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कलेक्ट कर चुके हैं। सो अगर सबसे पहला जो मिशन आप देख पा रहे इसमें लिखा हुआ कंप्लीट 15 मैचेस विद फ्रेंड, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ 15 मैच खेलना है, चाहे वो आर्केड मैच हो या क्लासिक मैच हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट 15 मैच आपको अपने फ्रेंड के साथ कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ जो सेकंड मिशन आप देख पा रहे उसमें लिखा हुआ किल 3 एनिमी विद पिस्टल, तो आपको पिस्टल से 3 एनिमी को मारना है, आर्केड और क्लासिक दोनों मोड में चलेगा, आप कोई भी मोड में जाकर ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं थर्ड मिशन लिखा हुआ किल 15 एनिमीज विद असॉल्ट राइफल इन सैनॉक इन क्लासिक मोड, तो इसमें आपको सिंपली करना है कि आपको सैनॉक में जाना और 15 किल करना है कोई भी असॉल्ट राइफल से, चाहे वो आपका M4 हो, AKM हो, बैरल M760 हो, जितना भी असॉल्ट राइफल है कोई भी आप यूज़ करके सैनॉक में आपको 15 किल करना है। तो अगर आपको आज ही ये करना है तो आप दूसरा सर्वर में भी कर सकते हैं, FPP मोड में भी कर सकते हैं, और अगर आप आराम से करना चाहते हैं तो जैसे आप नॉर्मली खेलते हैं आप खेल सकते हैं, सैनॉक में 15 किल करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मिशन आप देख पा रहे इसमें लिखा हुआ डिस्ट्रॉय 10 व्हीकल्स टायर, तो ये वाला जो मिशन ये आप एक ही मैच में कंप्लीट कर सकते हैं, सिंपली आपको करना है कि कोई भी 4 या बग्गी का जो टायर हो फोड़ना स्टार्ट कीजिए, तो एक बग्गी में हम जानते हैं 4 टायर रहता है, तो एक फोड़िए तो 2 बग्गी और आप एक बाइक फोड़ेंगे तो आपका जो ये मिशन है एक ही मैच में कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग अलग मैच में जाने का जरूरत नहीं है, एक ही मैच में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था जो रॉयल पास खरीदे उन लोग के लिए। अब मैं जो मिशन बताने वाला वो है फ्री रॉयल पास, जो रॉयल पास नहीं खरीदे उन लोग के लिए। तो सबसे पहला जो मिशन आप देख पा रहे इसमें लिखा हुआ लैंड ऑन द टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग इन स्कूल एरिया 3 टाइम, इसमें सिंपली करना है कि आपको अपने फ्रेंड के साथ या अकेले भी आप 3 बार छत में कूद सकते हैं स्कूल का, और आपका ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं एक टिप्स दे देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते इसमें हैंडशेक वाला ऑप्शन दिया हुआ, तो इसमें आपको करना है कि अगर आप फ्रेंड के साथ उतरते ये वाला मिशन कंप्लीट करते तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। अगर आपका फ्रेंड जिसके साथ आप कूदने वाले वो रॉयल पास खरीदेंगे तो तब जाके आपको ये पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा, अगर वो रॉयल पास नहीं खरीदा तो तब आपका ये वाला मिशन का जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं अगर आपका स्क्वाड में एक जन रॉयल पास खरीदा है तो आपको 30 पॉइंट मिलेगा ये मिशन कंप्लीट करने का एक्स्ट्रा, अगर आपकी टीम में 2 जन रॉयल पास खरीदा है तो आपको 45 पॉइंट मिलेगा, अगर आपकी टीम में 3 जन रॉयल पास खरीदा और उसके साथ मिशन कंप्लीट करेंगे तब आपको 60 पॉइंट मिलेगा। और एक मैं टिप्स दे देता हूँ ये वाला मिशन कंप्लीट करने का, अगर आपका फ्रेंड हमेशा खेलता नहीं आपके साथ, तो सिंपली करना ही है कि आपको पहले से इसको 2x3 कर देना, मतलब अकेले आप 2x3 कर लीजिए, पहले ही उतर जाइए 2 बार, उसका जो लास्ट वाला जो चांस होगा जिससे आपको कंप्लीट होगा ये मिशन, उस टाइम आप अपने फ्रेंड के साथ कूद जाएगा तो आपको ये वाला मिशन कंप्लीटली, मतलब एक्स्ट्रा जो रिवॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा। ये टिप्स है, बहुत कम लोग को पता है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि तीनों बार आपको फ्रेंड के साथ ही कूदना है, वैसे नहीं है, आप 2 बार आप अकेले भी कूद सकते हैं छत पे, और लास्ट वाला जो टाइम है जिससे आपका मिशन कंप्लीट होगा वो अपने फ्रेंड के साथ कूद जाइएगा, तो आपका जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये बेनिफिट आप देख पा रहे हो वो आपको मिल जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट जो मिशन आप देख पा रहे इसमें लिखा हुआ विन अ क्लासिक मैच वाइल वेयरिंग अ Level 3 हेलमेट, तो गाइस ये वाला मिशन न्यू इंक्लूड किया गया है पबजी का रॉयल पास में, इससे पहले कोई भी रॉयल पास में ये वाला मिशन नहीं था, तो ये मिशन को आप ध्यान से सुनिए तब जाकर आपको समझ में आएगा। तो इसमें करना ही है कि आपको क्लासिक मैच खेलना है और आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हैं या आपने सोलो भी खेल सकते हैं, और जब आप जीतेंगे तो आपके सिर में, मतलब आपके कैरेक्टर के सिर में Level 3 का हेलमेट होना चाहिए, अगर आपका कैरेक्टर के सिर में Level 3 का हेलमेट नहीं होगा, Level 2 का होगा, Level 1 का होगा, और अगर आप मैच जीत जाते तो आपका ये वाला मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप मैच जीत रहे तो आपके सिर में Level 3 का हेलमेट होना चाहिए, तो आप ड्रॉप लूट सकते हैं और ऐसे भी रैंडमली मिल जाता है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप स्क्वाड कर रहे हैं और आप पहले ही मर जाएंगे और उसके बाद आपका जो फ्रेंड है वो चिकन डिनर करा देता है तब भी आपका ये वाला मिशन कंप्लीट नहीं होने वाला, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप मरे नहीं, आप लास्ट तक जिंदा रहे और लास्ट वाला जो किल होगा आपका फ्रेंड भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बट आपको जिंदा रहना होगा, और जब चिकन डिनर दिखाएगा तो आपके सिर में Level 3 हेलमेट होना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका होगा। इसमें आपको करना ये है कि आप सोलो भी खेल सकते हैं, स्क्वाड भी खेल सकते हैं, मगर स्क्वाड में मेक श्योर करना होगा कि आप लास्ट तक जिंदा रहे और Level 3 हेलमेट होना चाहिए। सो गाइस नेक्स्ट जो मिशन आप देख पा रहे इसमें लिखा हुआ ऐड 3 फ्रेंड, तो आप कोई भी 3 फ्रेंड को ऐड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में पबजी मोबाइल का, तो आपका ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करना है कि आपको टीम मेट को 20 लाइक देना है, तो ये जैसे जैसे आप मैच करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा।
और इधर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो मिशन आप देख पा रहे इसमें लिखा हुआ यूज़ द क्लैप एंड ग्रिड इमोट इन पोचिंग की, तो आपको पोचिंग की में जाना होगा और क्लैप वाला इमोट नहीं तो ग्रिड वाला इमोट जो हाथ हिलाता हाई वाला, वो दोनों में से एक इमोट को आपको करना है परफॉर्म, पूरा कंप्लीट होने दीजिएगा। क्योंकि बहुत जन क्या करता है जो जैसे ही वो एनिमेशन कंप्लीट होता नहीं है उससे पहले ही वो कैरेक्टर को मूव कर देते हैं, तो वो उस टाइम आपका मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप कोचिंग में जाएंगे क्लैप करेंगे तो वो कैरेक्टर जैसे क्लैप करेगा उसका जो फाइटिंग वाला मतलब जेस्चर में आएगा तब जाके आपको बोला मिशन कंप्लीट होगा। तो ये है क्लैप और ग्रिड इमोट जो कि आपको पोचिंग की में करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड टीयर का जो था ये तो कंप्लीट हो चुका, वो तो मैं आपको बता दिया। तो ओवरऑल आपको वीक वन का कंप्लीट मिशन पता चलेगा कैसे आपको कंप्लीट करना है। इसमें से कोई भी मिशन में अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको होपफुली वीक टू का मिशन के ऊपर आएगा, क्योंकि वीक टू में आप देख सकते हैं मेरा खुला हुआ, तो वीक टू का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा आज नहीं तो कल, क्योंकि ओवरऑल आज तो तीन वीडियो हो ही चुका है, कल हम लोग देखेंगे ये वाला वीडियो। तो फिलहाल हम लोग ये वीडियो को इतने रखते हैं, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा डेफिनेटली थम्स अप दे सकते हैं। चैनल पे नए अगर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वगैरह बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक करिए, उससे होगा मैं जब भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।